इस भाई ने दो जुड़वा बहनों के साथ एक साथ शादी कर ली, पर शादी के बाद पुलिस के लपेटे में आ गया है। सवाल ये है कि क्या ये करना अलाउड है। हुआ ये कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं मुंबई से, रिंकी और पिंकी, दोनों आईटी कंपनी में काम करती हैं। इनके पिता कुछ दिनों पहले गुजर गए थे और रह गई थी एक बीमार माँ। एक बहन को था जी इस दूल्हे राजा से प्यार और शादी करना चाहती थी, पर दोनों बहनें एक दूसरे से दूर भी नहीं रहना चाहती थी, तो बस जी दोनों ने डिसाइड किया कि एक ही बंदे से शादी करेंगे। और हैरानी की बात देखिए कि दूल्हा और दुल्हन दोनों में से किसी के भी परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पर क्या ये करना अलाउड है? पुलिस के नोटिस में जैसे ही आया तो सेक्शन 494 के अंदर केस दर्ज कर लिया दूल्हे राजा पर और इन्वेस्टिगेशन चालू है। कुछ कानून के जानकार ये भी कहते हैं कि अगर पहली बीवी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, पर फाइनल फैसला तो अदालत ही लेगी। पर एक सवाल पूछता हूं, दो लड़कियों की शादी करने के लिए माँ बाप रेडी हो गए एक ही लड़के के साथ, पर क्या कोई माँ बाप दो लड़कों की शादी एक लड़की से करने के लिए रेडी होते? सोचने वाली बात। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।